दर्शन हो गए मैम? हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छे। अभी बढ़िया से दर्शन कर लिए? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत बढ़िया काम हो गया अभी हम। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज 7 दिसंबर 2022, टाइम हो रहा है 7:40 और मैं हूँ अभी सूरजघाट राजस्थान में। कल रात को हम यहाँ पे आ गए थे, जो हमारे राइडर थे ना उनकी दीदी के घर पे रुके थे। कल हम बहुत सारी जगह घूमने गए, कल कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ घूमे थे, सब कुछ बताया मैंने कल के ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग देखो, बहुत ही मज़ेदार बना है। और जो हमारे राइडर है ना, वो बॉम्बे से आए हैं यहाँ पे घूमने, तो अभी हम सूरजघाट में रुके हुए, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। आज कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, सब कुछ बताएंगे इसी ब्लॉग में। ब्लॉग लास्ट तक देखना, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और आप अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो, प्लीज़ फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो, अच्छा लगे दोस्तों शेयर भी कर दो। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पे देख रहे हो, कमेंट बॉक्स चेक करो, बाकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। और कल रात को हम आ गए थे यहाँ पे 8 बजे के आसपास, फिर मैंने यहाँ पे आके ये देखो नई वाली बलेनो ये चलाई थी। ये जिनके घर पे आए ना, वो भैया हैं, वो गवर्नमेंट में हैं, तहसील में अकाउंटेंट हैं, और इनके घर में ना सभी गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। जिनके घर पे आए ना, वो सर भी टीचर हैं, और उनके दो बेटे इटली में हैं, और एक भैया तहसील में अकाउंटेंट हैं। तो सभी लोग हैं एकदम बढ़िया लोग हैं, बहुत बढ़िया बात बहुत अच्छे से करी, बहुत ही अच्छा लगा रात को रुक के यहाँ पे। और सुबह नहाना धोना हो गया एकदम बढ़िया से, और अभी हम जा रहे हैं कहीं और, वो सब बताऊंगा अपने राइडर से पता करके जब इंट्रो करवाऊंगा। और गाड़ी इतनी मस्त चल रही थी ना, केवल 6,000 किलोमीटर चली है, नई गाड़ी है, मज़े काफ़ी मज़े आए। हम गए थे यहाँ से लोहारू, सर के एक बेटे गए थे कहीं, यहाँ से बाहर गए कहीं, तो हम लोहारू जंक्शन पर छोड़ने गए थे। यहाँ से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर था। अच्छा लगा, रात को 11-12 बजे आ गए, फिर मैं सो गया। अभी निकल रहे हैं, वहाँ राइडर हो गए रेडी, आ रहे हैं फिर यहाँ से निकलेंगे। मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी साइड में। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा ही रहेगा, ब्लॉग कर लेते हैं इसे स्टार्ट, गो। सो गाइस, राइडर हमारे आ चुके हैं और पिकअप हमने कर लिया, तो मिलवा देते राइडर से। राइडर वही है हमारे कल वाले, तो राइडर से आज फिर से इंट्रो हो जाएगा। सो हेलो गाइस, हेलो, कैसे हो आप लोग? ठीक। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अभी हम? अभी जा रहे हैं तातीजा। तातीजा में मंदिर बता रहे थे ना एक? हाँ, एक माता, हाँ, माता जी का मंदिर है, सात बहनों का मंदिर है, जो कि मतलब वहाँ पर जाते हैं ना तो वहाँ पर किसी को कुछ बोलना नहीं होता। गुंगी माई का मंदिर बोलते हैं। अच्छा, गुंगा माई का मंदिर के नाम से फेमस है ना? फेमस है वो, तो वहाँ पर मतलब बड़े जो भी होंगे कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, चुपचाप ही प्रसाद चढ़ाना, चुपचाप ही दर्शन करना है ना, कुछ काम करने चुपचाप। तो हम आपको ऐसा मंदिर दिखाएंगे जो गुंगा, किस नाम से बताया था? गुंगी माई। गुंगी माई के नाम से फेमस है वो भी मंदिर दिखाएंगे। तो अभी यहाँ पे कैसा लगा मेहमानी में? यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ना, लोग बहुत बढ़िया थे। अगर आएंगे तो अच्छा तो लगेगा। नहीं, वाकई ये लोग बहुत अच्छे लगे मुझे, सबकी याद है बहुत ही प्यार से बात करना, और वो रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे इनके लिए ना, है ना? हाँ जी बिल्कुल, कि अभी इतने दिनों के बाद आ रहे हो, हाँ टाइम नहीं होता है। तो कहीं अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम, पहुंचे तातीजा, अब मिलेंगे वहीं पहुंच के, सभी लोगों को बोलते हैं बाय बाय। तो गाइस टाइम हो गया 8:50, हम पहुंच गए तातीजा। तातीजा में पड़ा है गुंगा माई का मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है, अंदर हमारे राइडर गए दर्शन करने, हम भी आपको करवाएंगे दर्शन इस मंदिर के। और इस मंदिर की हिस्ट्री काफ़ी लंबी है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो गूगल पे सर्च करो गुंगा माई मंदिर तातीजा राजस्थान। राजस्थान में मंदिर बहुत सारे हैं जगह जगह पर, काफ़ी फेमस मंदिर हैं, अच्छे हैं, चारों तरफ मैदान है खाली, और खेती बाड़ी भी हो रही है, और बीच में ही मंदिर बना हुआ है, वो कितना बढ़िया कितना सुंदर बना हुआ है ना। चलो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं मंदिर, करते हैं दर्शन हम भी और आपको भी दर्शन कराते हैं। कुछ इस तरह से बना हुआ, कलरफुल पेंट करा हुआ है। चलते हैं अंदर, लिखा है श्री दही माई और उधर लिखा है गुंगा माई का मंदिर है। काफ़ी लोग आ रहे हैं, बन भी रहा है, अभी चल रहा है काम। जय हो गुंगा माई की। तो कुछ इस तरह से है पूरा मंदिर, चलते हैं एंट्री गेट से अंदर। अपनी गाड़ी उधर साइड में खड़ी है। जय हो गुंगा माई की। ये बहुत बढ़िया बन जाएगा आने वाले टाइम पर, ये कुछ फुहारा बना रहे हैं। ये शायद पार्किंग एरिया है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, धर्मशाला है, और ये मंदिर है, ये देखो। चलो बढ़ते हैं अंदर की तरफ।
देखता हूँ अंदर अगर फोटो खींचना वीडियो बनाना अलाव होगा तो बनाऊंगा, नहीं तो फिर नहीं बनाऊंगा। ठीक है, सो गाइस दर्शन मेरे तो हो गए, अंदर जाके दर्शन वर्शन कराया मैं एकदम बढ़िया से, और हमारे राइडर भी आ रहे हैं दर्शन करके। सामने मंदिर है, कितना मस्त लग रहा है मुझे ये मंदिर का आगे का जो है ना मेन एंट्रेंस, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया। तो अभी यहाँ से साथ जाएंगे हम नानोल। सो गाइस दर्शन हो गए ना बढ़िया से सभी लोगों के? हाँ जी। दर्शन हो गए मैम? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे बढ़िया से सर दर्शन हो गए ना? हाँ जी बिल्कुल, अभी बढ़िया से दर्शन कर लिए। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? एकदम बहुत बढ़िया काम हो गया, अभी हम सीधा यहाँ से नानोल। अच्छा, अब नारनौल जा रहे हैं? तो अब रास्ते में कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे है ना? हाँ जी, पहले रास्ते में करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर जाएंगे नारनौल, और यहाँ से निकल रहे हैं अभी। तो यहाँ का मंदिर का एंट्रेंस ना वो बढ़िया लगा, तो चलते हैं नारनौल, मिलते हैं रास्ते में पहुँच के। हो गया 10:20, हम पहुंच गए नारनौल, और नारनौल में आके ही ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं इस वाले ढाबे पे, कृष्णा रेस्टोरेंट पे रुके हैं, और सर हमारे गए अंदर ब्रेकफास्ट करने, तो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर देखते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया है, और सर ब्रेकफास्ट हो गया ना बढ़िया से? एकदम बढ़िया। अभी कहाँ चल रहे हैं हम? अच्छा, अभी हम चलेंगे सीधा नारनौल रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से हम बॉम्बे की रवानगी करेंगे। अच्छा अच्छा, आप बॉम्बे जा रहे हो? हाँ जी। ओके, तो अभी 2 दिन का टूर रहा, कैसा रहा मेरे साथ सर? बढ़िया टूर रहा आपके साथ में, आपने प्रॉपरली हमें टाइम टू टाइम डेस्टिनेशन पे ले जाए, सारे दर्शन करा दिए, पहुंचा दिया, कहीं पर भी आपने हमारा टाइम वेस्ट नहीं करवाया। अभी एंजॉय किया ना मेरे साथ? एकदम, ऐसे कोई सर्विस को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, बहुत खुश है आपके साथ। हम तो यही कहेंगे कि कोई और भी आएगा हम आपका ही नाम सजेस्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं आपका ही नाम सजेस्ट कर दूंगा। ओके, आप कनेक्ट कर लीजिए, ये प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम ले भी जाएंगे और काफी बढ़िया सर्विस भी है। ओके, तो अभी नेक्स्ट टाइम सर कब आ रहे हैं आप? नेक्स्ट टाइम आपको बता देंगे 15 दिन पहले। कोई नहीं सर, मैं भी वेट करूंगा, मुझे भी ऐसे राइडर ऐसे फैमिली की रिक्वायरमेंट रहती है जो अच्छे से प्यार से रहें सब लोग, आप उसमें बढ़िया से टूर करें। तो ये वाला टूर हमारा काफी एंजॉय किया, आपने एंजॉय किया नहीं किया प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी सभी लोग बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, नहीं, आप मेरी सिस्टर को छोड़ दो। अच्छा, ये मैम को, सौरभ भैया की मम्मी को ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, ये गुड़गांव ड्रॉप करना है ना शीतला माता मंदिर के पास में? ड्रॉप कर देना घर पर। ओके, और हमें आप ड्रॉप कर दीजिए रेलवे स्टेशन पे। कोई नहीं, सर जा रहे हैं बॉम्बे क्योंकि सर बॉम्बे से ही हैं, और हम जाएंगे गुड़गांव, मैम को करेंगे गुड़गांव ड्रॉप। तो पहले चलते हैं रेलवे स्टेशन, ट्रेन इनका कितने बजे का ट्रेन है सर? अभी 11:59 का ट्रेन है। ओके, तो थोड़ा ही टाइम है ना हमारे पास? ठीक है, तो चलते हैं रेलवे स्टेशन, सर को करते हैं ड्रॉप, और हम मिलते हैं गुड़गांव पहुंच के, सर को बोलते हैं बाय बाय। सुबह टाइम हो गया 12:40, और अभी हम नारनौल रेलवे स्टेशन पे ही खड़े हैं, और मैम को मैं छोड़ूंगा गुड़गांव, और वो लोग कहाँ गए थे मैं भूल गया, वो लोग गए बॉम्बे, बॉम्बे गए। हाँ, उन्हें हमने ट्रेन के अंदर बैठा दिया था क्योंकि सामान थोड़ा ज्यादा था, तो हमने ट्रेन के अंदर सामान वामान पहुंचा दिया, वो आराम से बैठ के निकल गए हैं। और मैम के चाचा जी थे ना, वो उन्होंने खाना पैक कराया था अपना बॉम्बे के रास्ते में, ट्रेन में अच्छा नहीं मिलता ना, तो उन्होंने अपने लिए कराया और हमारे लिए भी करा दिया दोनों लोगों के लिए। तो अभी हमने खाना ना खा के फिट हो गए। खाना कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा था, बहुत है। सब्जी सुबह जो अचानक ऐसे होटल पे सब्जी बहुत बढ़िया मिल गई ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खाना मिल गया, और खाना ना खा के निकल गए। रेस्टोरेंट पे भी रुकते तो भी इतना स्वाद नहीं, हाँ इतना स्वाद नहीं आता है, और गाड़ी में बैठ के दोनों लोगों ने खा लिया। तो अभी मैं मैम को छोड़ूंगा गुड़गांव, फिर मैं देखता हूँ कहाँ जाऊंगा, पता नहीं अभी तो गुड़गांव पहुंचेंगे हम तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे समथिंग, क्योंकि 130 किलोमीटर है, 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, हम 3:30 बजे पहुंच पाएंगे। तो अब रास्ते में कहीं नहीं रुकेंगे, अब मिलेंगे गुड़गांव पहुंच के। सुबह टाइम हो गया 3:40, और हम पहुंच गए शीतला माता मंदिर गुड़गांव, मैम को ड्रॉप करने वाला ही हूँ। और मैम ठीक है ना आप? हाँ
बहुत बढ़िया। आप बढ़िया से सर्विस हुई ना, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छा लगा आपके साथ में जाके, बहुत एंजॉय किया है। ओके, कोई शिकायत तो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं, आपके साथ में ऐसा लगा ही नहीं कि भाई कि हमने गाड़ी बुक करके गए, ऐसा लगा फैमिली मेंबर के जैसे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि अब वैसे अब टूर बनने वाला है थोड़े दिन में जी, तो आपका ही वो होगा बुकिंग, और किसी और को तो हम करने वाले ही नहीं है। मुझे भी अच्छा लगा आप लोगों के साथ में, सच में। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, फिर आपको अच्छा सा वीडियो देखने को मिलेगा। तो अभी मैम को कर देता हूँ ड्रॉप, मैं निकलता हूँ यहाँ से नोएडा के लिए, देखता हूँ थोड़ी देर वेट करूंगा फिर निकलूंगा। तो मैम को बोलते हैं बाय बाय, मिलते हैं इनसे नेक्स्ट टाइम, बाय। सो गाइस, मैं पहुंच गया सुशांत लोग और मैं शीतला माता मंदिर के आसपास में ना, वो फुटरेस लगाते हैं साइड में बिल्डिंग वाले, तो उन्हीं के पास गया था मैं। तो वो मेरे को समझ में नहीं आया, काफी महंगे लग रहे थे, तो मैंने मना कर दिया, मैं इधर ही आ गया हूँ। और मेरे पास ड्यूटी मिल चुकी है, एक ड्राइवर भाई के द्वारा मिली है, रेंटल की ड्यूटी मिली है, 8 घंटे 80 किलोमीटर की है, कहीं शादी में जाना है। तो अभी मैं इधर ही खड़ा हूँ, थोड़ी देर बाद पिकअप है, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ काफी समय से। तो उनका फोन आ जाएगा, फिर मैं उन्हें करूंगा पिकअप, मिलवाऊंगा और देखेंगे कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, सारा कुछ। तो मिलते हैं पिकअप। मैं पहुंच गया अपने राइडर की पिकअप लोकेशन पर, पिकअप भी मैंने कर लिया, तो मिलवा देता हूँ अपने राइडर से, कौन है, कहाँ से, सारा कुछ। सुभाष आज के राइडर ये, हेलो सर। हेलो, कैसे हो आप लोग? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मालवीय नगर। अभी मालवीय नगर जा रहे हैं ना, उसके बाद कह रहे थे आप और भी कहीं जाना है, उसके बाद हमें जाना है वेडिंग, क्योंकि हमारे दोस्त की शादी। अच्छा अच्छा, वापस कब तक आ जाएंगे समथिंग? हमें तो 3-4 बज जाएंगे आते आते, तो इसलिए चाह रहे हो कि आप रहो हमारे साथ। ओके, तो मौज करेंगे। कोई नहीं, चलेंगे फरीदाबाद, दिखाएंगे शादी और करेंगे मौज। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, मिल रहे हैं मालवीय नगर पहुँच के। तो अभी सभी लोगों को बोलते हैं बाय बाय, बाय बाय बाय। तो गाइस मैं पहुंच गया फरीदाबाद, फरीदाबाद में सर शादी में आए ना सर, वहां पे मैंने ड्रॉप कर दिया और मैं काफी दूर आके खड़ा हो गया हूँ, 200-300 मीटर दूर, क्योंकि उधर ना बहुत तेज म्यूजिक बज रहा है, बहुत धूमधाम से शादी हो रही है, बहुत बड़ी शादी लग रही मुझे तो, काफी लोग आ रहे हैं, मतलब ऐसे मंत्री मंत्री टाइप नहीं है, काफी मतलब वही हूटर लगी हुई गाड़ियां आ रही है और लाल बत्ती नीली बत्ती वाली गाड़ियां बहुत सारी आ रही है। तो मैं तो काफी दूर आके खड़ा हो गया हूँ म्यूजिक की वजह से। और मालवीय नगर गए थे, मालवीय नगर में मोमो जार बर्गर समोसे पता नहीं क्या क्या खाए, बहुत सारी चीजें खा के फिर वहां से निकले। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कितने टाइम रुकेंगे। सर बोल रहे थे आ जाना खाना वाना खा लेना, मैंने सर मैं तो वहीं खा लिया मालवीय नगर में, मैं तो फिट हूँ एकदम, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो सर बोले कोई नहीं, आप रेस्ट करो, हम आपको कॉल कर देंगे जब निकलेंगे। तो अभी सर का कॉल आ जाएगा, फिर मैं सर को लेने जाऊंगा। तो अभी तो आए हैं, तो 3-4 घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे को पता नहीं है कब तक एंजॉय करें। जब कॉल आएगी ना तब मैं जाऊंगा पिकअप करने वहीं पे बारात। सुबह टाइम हो गया 1:10 और बारात अब थोड़ी शांत हो गई, तब से धूमधाम ही मच रही थी बारात में, और सर भी आने वाले हैं, एक दो लोग आ भी गए, गाड़ी में बैठे हैं, अभी निकलने वाले हैं कुछ देर में। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ जाएंगे। सब लोग आ जाएंगे उसके बाद ही पता। तो बस टाइम हो गया है 1:50 और हम पहुंच गए सुशांत लोग गुड़गांव। सर को ड्रॉप करने वाला ही हूँ, बस सबसे छोटा सा रिव्यू लेना है कि मेरे साथ ट्रैवल करके कैसा लगा, और जहाँ हम शादी में गए थे अपने सर गए थे ना शादी में अपने फ्रेंड की, तो वहाँ पे एंजॉय किया या नहीं किया सारा कुछ। हेलो सर। हेलो, कैसे हो आप लोग? हम लोग बहुत ही मस्त है, हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, स्पेशली बिकॉज क्योंकि हमारी राइड बहुत ही कन्वीनियंट थी, ड्राइवर बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव था। और मैं आप लोग को भी सजेशन दूंगा कि आप विकी भाई को सपोर्ट करें, विकी भाई का एक्सपीरियंस करें ताकि आप लोगों को मजा आए, और सब्सक्राइब करें विक्की के ब्लॉग को। थैंक यू सो मच, शादी में एंजॉय किया ना? बिल्कुल। तो अभी सर को बोलते हैं बाबा, मिलते हैं सर से नेक्स्ट टाइम, बाय। सो गाइस देख लिया ब्लॉग, प्लीज कमेंट करके बता भी दो ब्लॉग कैसा लगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा जब भी टाइम मिलेगा। बाकी आपका भी कोई टूर प्लान है, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, सालासर, बालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, शिमला, मनाली, नैनीताल या फिर पहाड़ों की रानी, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, राजस्थान, कहीं भी घूमो हमारे और हमारी टीम के साथ में, करो एंजॉय फुल। तो लगाओ हमारा नंबर 9412222222। बाकी इन विक्की भाई की भी बात सुनो जो ऊपर वीडियो आ रही है। सो गाइस, बाकी आप अगर कोई हमारी गाड़ी बुक करना चाहते हो हमें कॉल कर सकते हो 24/7 कभी भी, हम आपको कोटेशन प्रोवाइड कर देंगे आपके टूर प्लान के हिसाब से, आपको हमारा कोटेशन ठीक लगे तो आप टूर कर सकते हो हमारे और हमारी टीम के साथ में कहीं भी एकदम रीजनेबल रेट पे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में, बाय बाय।